इंडियन प्रीमियर लीग या फिर कहें आईपीएल के लिए आप लोग सभी काफ़ी एक्साइटेड होंगे, और क्यों ना हो, ये सबसे बड़ा एक इवेंट माना जाता है क्रिकेट फैंस के लिए। तो आईपीएल को शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया है, मार्च के एंड में आईपीएल शुरू होने वाला है। हालांकि अभी तक आईपीएल के मैचेस का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन लोगों के अंदर उत्साह देखने को बनता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आईपीएल को लेकर अभी से बननी शुरू हो गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में होने वाले आईपीएल 2024 जो धूम धड़ाके से शुरू होने वाला था, वो इस बार भारत में नहीं होने वाला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इस बार भारत में ना हो। अब ऐसी खबरें क्यों सामने आ रही हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। दरअसल जिस वक्त आईपीएल 2024 होने वाला है, यानी कि मार्च के अंत में, तभी से देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो दोनों ही बड़े इवेंट्स हैं, दोनों की डेट्स क्लैश होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक आईपीएल चलेगा तब तक लोकसभा के चुनाव भी चलेंगे। अलग अलग चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर ये माना जा रहा है कि मार्च अंत से शुरू होकर वो मई में जाकर खत्म होंगे, और इसी दौरान इसी के बीच में भी आईपीएल का जो शेड्यूल है वो आने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भला चुनावों में आईपीएल की तारीखें टकराने से इसका देश में आयोजन पर क्या कुछ फर्क पड़ता है, और ऐसा क्यों होता है कि जब लोकसभा चुनाव हो तब आईपीएल देश में नहीं होता। पास्ट में चले जाएं, इतिहास की बात करें, तो लोकसभा चुनावों का जब आईपीएल के साथ क्लैश हुआ तो ऐसा हुआ है कि आईपीएल को भारत में नहीं रखा गया। तो इस सवाल का जवाब हम बता देते हैं कि पहले भी देश में जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर करना पड़ा था। साल 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो आईपीएल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वहीं अगर दूसरे 2014 की बात करें तो जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान भी यूएई में आईपीएल का आयोजन किया गया था, भारत में आईपीएल नहीं हुआ था इन दो लोकसभा चुनावों के बीच में। तो अब सवाल ये उठता है कि दो बार लोकसभा चुनाव के वक्त आईपीएल को देश से बाहर क्यों ले जाना पड़ा। आपके मन में भी बेशक ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से भारत से हटाकर किसी दूसरे देश में आईपीएल का आयोजन किया जाता है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसे में पूरे दो महीने तक जो मैच चलने वाले हैं उसकी बहुत एक खासा सिक्योरिटी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जगह जगह से लोग आते हैं मैचेस देखने के लिए, या फिर प्लेयर्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, तो हाई सिक्योरिटी का इंतज़ाम आईपीएल के दौरान करना पड़ता है। और लोकसभा चुनाव के कारण इन सुरक्षा इंतजामों में थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी एक बहुत बड़ा इवेंट है भारत के लिए, हमारे देश के लिए, तो उस समय भारी पुलिस बल भी तैनात होता है और बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो लोकसभा चुनावों में भी व्यस्त होती है। तो दो बड़े इवेंट्स का एक ही टाइम पर क्लैश होना कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हो सकती है। यही कारण है जिसकी वजह से कोई चांस नहीं लिया जाता, कोई रिस्क नहीं लिया जाता, और इन दोनों फैक्टर्स को या इन दोनों इवेंट्स को एक साथ में आयोजन नहीं किया जाता है इन दोनों का। क्योंकि चुनाव के वक्त मैच होने से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो भी ख़राब हो सकती है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ चीज़ों में बदलाव भी करने पड़ते हैं, यही सबसे बड़े कारण देखे जा रहे हैं। और इन सबसे बचने के लिए दो बार आईपीएल का जो आयोजन है वो भारत में ना होकर किसी दूसरे देश में हुआ। लेकिन अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो कुछ अलग रहे थे, क्योंकि उस समय भी लोकसभा चुनाव और आईपीएल क्लैश कर रहे थे। लेकिन 2019 एक ऐसा साल रहा जब दोनों ही बड़े इवेंट्स एक साथ हुए और इंतज़ाम जो थे वो बहुत ही बेहतर तरीके से किए गए थे। दोनों इवेंट्स में संतुलन बनाकर रखा गया था, दोनों ही आईपीएल भी और लोकसभा चुनाव भी बहुत अच्छे से हो पाए थे, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ था, कोई सुरक्षा का उल्लंघन भी नहीं हुआ था। ऐसे में एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं इन सभी खबरों के बीच में कि 2019 से सीख लेते हुए इस बार 2024 में भी आईपीएल और लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है और आईपीएल के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप क्या चाहते हैं कि आईपीएल की मेज़बानी भारत में ही हो या किसी दूसरे देश में हो, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।